أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी कंप्यूटिंग की क्लास चल रही है और उसमें हम लोग इस वक्त प्रोग्रामिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कंप्यूटिंग की क्लास में आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 29 है और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार क्विकली जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग जो है हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इफ एल्स का स्ट्रक्चर मौजूद है और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको कोड करके भी दिखाया था लाइव कि इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेपिटेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। हमारे पास तीन किस्म के रेपिटेशन स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, जिसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर है ये होता क्या है। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो डे एंड नाइट का एक स्ट्रक्चर है वो रिपीट होता है। दिन आता है तो उसके बाद हमारे पास रात आ जाती है और रात आती है तो उसके बाद फिर दोबारा दिन आ जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें अपने मौसमों की तो हमारे पास जो है मौसम भी तब्दील होते रहते हैं। कभी हमारे पास मौसम सर्मा आ गया तो कभी मौसम में बहार आ गया तो कभी मौसम में खिजा आ गया और ये स्ट्रक्चर जो है कुदरत का इसी तरह रिपीट होता रहता है। अगर हम इसको किसी कंपनी के सिनेरियो के अंदर देखें तो दोस्तों हमारे पास जो सैलरी का एक स्ट्रक्चर है ये भी हमारे पास जो है हर मंथ के अंदर जो है वो रिपीट होता चला जाता है। दोस्तों, C++ के अंदर हम लोग जो है रिपीटेशन को हैंडल करने के लिए लूप्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो है तीन किस्म के जो है वो लूप्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमारे पास फॉर लूप अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास वाइल लूप अवेलेबल है और आखिर के अंदर हमारे पास डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और मैं आपको ये जो तीनों हमारे पास रिपीटेशन के स्ट्रक्चर हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, इनका जो सिंटेक्स है कि C++ के अंदर हम इनको कैसे लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखाऊंगा और फिर आपको लेकर चलूंगा डेफ C++ के ऊपर और एक लूप जो है वो मैं आपको लाइव कोड करके दिखाऊंगा कि हम लूप के थ्रू जो है कौन सी मजेदार जो प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो लूप हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये ऑलमोस्ट इनका जो सिंटेक्स है या जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम है। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को देख लेते हैं। अब वाइल लूप में देखे, सबसे पहले हमने एक कीवर्ड लिखा while और उसके बाद विद इन ब्रैकेट हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन डाला और उसके बाद हम लोग देखें कर्ली ब्रैकेट शुरू और उसके बाद हमारी स्टेटमेंट 1 आ गई और फिर स्टेटमेंट 2 आ गई और कर्ली ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गए। ये हमारे पास है जी एक while लूप का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने दूसरा स्ट्रक्चर देखा डू while लूप का। अब डू while लूप में देखें, हमने सबसे पहले डू लिखा कि इस काम को करो और फिर स्टेटमेंट कही, ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला काम जो है इस लूप ने करना है। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर वाइल और फिर कंडीशन आ गई। मतलब ये कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती आपने इसको डू करते रहना है, इस लूप को चलाते रहना है। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है डू वाइल लूप का। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और लूप है जिसको हम पावरफुल लूप भी कहते हैं, वो है फॉर लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स भी तकरीबन हमारे वाइल के साथ मिलता जुलता है। इसमें देखिए फॉर आ गया, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कंडीशन आ गई, कंटिन्यूएशन कंडीशन आ गई और इंक्रीमेंट कंडीशन आ गई। इसमें हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। और दोस्तों आज की क्लास में जो मैं आपको लाइव कोड दिखाने वाला हूँ वो भी इसी लूप का दिखाऊंगा और उससे मजेदार जो है एक किस्म का प्रोग्राम लिखेंगे और इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्रामिंग सीखते हुए भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर मजा आएगा। इसके बाद स्टेटमेंट है और फिर हमारी कर्ली ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई। तो दोस्तों ये तीन किस्म के लूप हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक सैंपल प्रोग्राम दिखाता हूं। यहाँ पे सैंपल प्रोग्राम आपको C++ का नजर आ रहा है,
वी वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द टेबल ऑफ टू ऑन द स्क्रीन. हम जो है एक टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे जिसे हम दो का पहाड़ा कहते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम प्रिंट करेंगे. यहाँ पे आपको टेबल नंबर भी आ रहा है. इसमें देखें टू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और आगे इंक्रीमेंट वैल्यू हो रही है और उसके रिजल्ट आ रहे हैं. ये करने के लिए हम दोस्तों अपने इन्वायरमेंट डेव सी प्लस प्लस के ऊपर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको जो है वो कोड करते हैं. हमने फाइल के नीचे ये जो न्यू का मेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आइकन सोर्स फाइल के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और फिर जो है हम लोगों ने अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करना है. और हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग जो है अपनी जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उनको इंक्लूड करते हैं. तो हमने लिखा इंक्लूड. इंक्लूड लिखने के बाद हम आयो स्ट्रीम वाली सबसे पहले करते हैं. आयो स्ट्रीम वाली हमने अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड की. उसके बाद फिर वही यूजिंग नेम स्पेस एफटीडी और फिर हम लोगों ने अपना मेन जो हमारा फंक्शन है उस मेन के फंक्शन की हमने ब्रैकेट्स लगाई और फिर उसकी ब्रेसेस लगाई. अब इस मेन के अंदर जो है हमने अपना कोड लिखा है. अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ जी काउंटर. काउंटर हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है. अब ये काउंटर वेरिएबल से हमने करना क्या है, काउंटर वेरिएबल से हमने टू का टेबल बनाना है. अब हम अपना फॉर लूप चलाते हैं. फॉर लूप का हम सबसे पहले सिंटेक्स बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे. फॉर लिखा, फॉर के बाद हमने ब्रैकेट्स लगाई और फिर हमने ब्रेसेस लगाई. अब ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग देखते हैं हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, एक इनिशियलाइजेशन, देन जो है कंटिन्यूएशन या टर्मिनेशन और फिर हमारी चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वो तीनों चीजें हमने कैसे लिखनी है जी, हमने काउंटर वेरिएबल लिया हुआ है और काउंटर वेरिएबल का हमने कहा है कि जी हमें काउंटर हमने लिखा और काउंटर को कहा कि जी इक्वल्स वन, कि जो काउंटर है वो हमारा स्टार्ट होगा वन से और इसके बाद हमने लगाना है सेमी कॉलम ताकि ये हमारी कंडीशन एक अलग से बन जाए. और हमने सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया. इट मींस कि वी हैव डिफाइनिंग द वेरिएबल इन द अबव मेन फंक्शन एंड वी हैव असाइन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन द फॉर लूप स्ट्रक्चर. हमने ऊपर जो है काउंटर का एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया और उसको जो वैल्यू है वो हमने असाइन किया है फॉर लूप के अंदर, जाके ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई. उसके बाद हमने कंटिन्यूएशन या टर्मिनेशन की वैल्यू देनी है. वो हमने देखे हमारा जो वेरिएबल है वो है काउंटर के नाम का, तो हमने काउंटर लिखा और हमने लिखा जी लेस देन एंड इक्वल टू 10, क्योंकि हमारी जो टेबल होता है वो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह आगे वो 10 तक चलता है. तो इसलिए हमने जो है काउंटर को कहा कि काउंटर जो है या जो हमारा फॉर लूप है वो 10 टाइम चलेगा या 10 से लेस चलेगा या 10 के इक्वल चलेगा. तो ये हमने उसको कंडीशन बता दिया है हमारी कंटिन्यूएशन की कि वो 1 से स्टार्ट हुआ है, हमने उसको इनिशियलाइज किया है और आगे वो कंटिन्यू रहेगा टिल 10, जब तक वो 10 से लेस या 10 के इक्वल नहीं हो जाता. उसके बाद हमने डालना है जी अपना वेरिएबल जो हमारी चेंज दी वैल्यू आएगी. वो चेंज दी वैल्यू हम कैसे डालते हैं, वो हमने लिखा जी काउंटर, counter, काउंटर, और फिर हमने इक्वल्स डाल के फिर लिखा हमने जी काउंटर प्लस 1. अब ये हमने लिख दिया और ये लिखने के बाद इसका मतलब ये है कि जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो उसमें काउंटर की जो वैल्यू है वो 1 आएगी. देन इफ द लूप इज कंटिन्यू विद द सेकंड शिफ्ट, जब वो सेकंड शिफ्ट में आएगा तो देन जो है काउंटर की वैल्यू जो है वो 1 प्लस एड हो जाएगी, मतलब उसके अंदर 1 एड हो जाएगा. इट मीन्स के द काउंटर वैल्यू इन द सेकंड शिफ्ट इज 2. तो हमने ये पहाड़ा लिखना है. अब हम अपने जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर जो हमने फॉर लूप अपना बनाया है. हम उसकी बॉडी में जाने के लिए जो है हम उसका आगे प्रिंट करवाएंगे जो हमने उसको प्रिंट करवाना है. तो हमने लिखा जी सी आउट लिखने के बाद लेस देन और फिर हमने प्रिंट करवाना है टू का टेबल. तो हम सबसे पहले टू लिखते हैं और फिर एक्स लिखा. इसका मतलब ये है कि ये टू जो है हमारे पास 10 टाइम रिपीट हो जाएगा जब तक इसकी वैल्यू जो है वो 10 नहीं हो जाती. इसको हम सेमी कॉलर लगा के क्लोज कर देते हैं. इसके बाद हमने फिर लिखा जी सी आउट लिखने के बाद फिर हमने लेस देन लगाया. आप देखें टू के बाद जो है हमारे पास आ जाता है 1, मतलब हमारे पास गिनती चलेगी 1 से लेकर 10 तक. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिर प्रिंट कर लेते हैं जी हम लोग जो है काउंटर को प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि हमारा जो काउंटर है
वो हमारा एक वेरिएबल है और वो वैल्यू उसकी चेंज होती रहेगी। काउंटर आ गया, काउंटर के बाद हम लोग देखते हैं कि टेबल के अंदर जो है वो इक्वल का साइन होता है। ये यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, फ्लाइट के अंदर देखते हैं टू, और ये मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो हर लाइन के साथ है, तो इसलिए हमने सबसे पहले उसे प्रिंट किया। उसके बाद जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह की जो ये वैल्यू है वो ये चल रही हैं, तो ये इंक्रीमेंट हो रही हैं, तो हमने काउंटर को जो है वो लिख लिया। अब काउंटर के बाद जो है हमारे पास जो है उसका आगे जो स्ट्रक्चर है वो आएगा, वो हमारे पास इक्वल्स का साइन है, तो हम फिर लिखते हैं जी सी आउट। सी आउट लिखने के बाद लेफ्ट हैंड और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग लगा देते हैं जी अपना इक्वल्स का साइन, ताकि हमें जो है वो इक्वल्स मिल जाए। ये हमने इक्वल्स लगा दिया। इक्वल्स के बाद देखें, अब हमने जो है हर जो हमारा काउंटर की वैल्यू है उसके साथ हमने प्रिंट करना है, मतलब 2 × 2 = 1, 2 × 2 = 2, देन 4 आएगा। हमने वो वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाना है और उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, हमने लिखा जी फी आउट। फी आउट लिखने के बाद हमने कहा जी लेस देन और फिर यहाँ पे हमने कहा 2 और उसको मल्टीप्लाई बाय काउंटर। काउंटर जो है वो हमारी गिनती है, तो ये हमारी गिनती यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है हमारा ये तकरीबन ऑलमोस्ट टेबल जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ ही हम सी आउट लिख के एक एंड एल लगा लेते हैं, ताकि हमारी हर लाइन अलग से प्रिंट हो। तो हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जी। कंपाइल करने के लिए वो सबसे पहले सेव मांगता है। हमारी क्लास चल रही है जी 11th, तो हम इसका नाम भी जो है क्लास 11 रख देते हैं। हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये कंपाइल कर रहा है। कंपाइल करने के बाद हमें बताएगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं है, तो हम अभी वेट करते हैं। इसमें देखें एरर 0 है, वार्निंग 0 है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हमने रन किया तो हमारे सामने जो है वो 2 का टेबल जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर जो है हम इस टेबल को चेंज करना चाहें, मतलब हम इसकी जगह पे कोई और टेबल करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपली आपने जाके जहाँ पे आपने 2 लिखा है, यहाँ पे आपने अगर हम 3 का करना चाहते हैं तो 3 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई के अंदर जो है आप 3 कर दोगे, ताकि आपकी हर जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे। आपने इसको सेव किया, हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। दोबारा कंपाइल होने के बाद फिर जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है फॉर लूप की हमारी एक खासियत। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने ये जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर पढ़ा है, व्हाइल लूप पढ़ा है, उसमें हमने डू व्हाइल लूप पढ़ा है, और आज जो है हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को बेहतर समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे देता हूँ जी। आपने करना क्या है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच यू राइट एंड प्रिंट अ टेबल इन योर ओन चॉइस। आपने भी एक टेबल प्रिंट करना है और वो आपने अपनी मर्जी से जो आपको बेहतर लगता है वो प्रिंट कीजिए, बट ऑन दैट कंडीशन के यू हैव द गेट द टेबल वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड द रिजल्ट ऑफ द टेबल प्रिंट ऑन द स्क्रीन। और हमने जो है वो जो रिजल्ट है टेबल का वो हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें हमने बाई डिफॉल्ट 2 की वैल्यू डाली और 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 3 की वैल्यू 3 प्रिंट हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल लेना है और उसमें यूजर से इनपुट करवाना है, जो वो वैल्यू इनपुट आपको करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आप उसे बता देंगे कि यू हैव एंटर द वैल्यू फ्रॉम 2 to 10, कि आप 2 से लेकर 10 तक की वैल्यू या 20 तक की वैल्यू एंटर करें, और जो यूजर वो वैल्यू एंटर करेगा वो आपने एक वेरिएबल में स्टोर रखनी है और उसके से आपने आगे टेबल प्रिंट करना है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप लोग जाइए अपनी एक्सरसाइज डेफ सी प्लस प्लस ओपन कीजिए और कोड कीजिए और देखिए कि आप ये कोड कर पाते हैं या नहीं, और अगली क्लास में मुझे आके बताइए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, इसको हम देख लेते हैं एक बार समरी इसकी, कि हमने आज रेपिटेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बात की। इसके अंदर हमने फॉर लूप को देखा, व्हाइल लूप को देखा, डू व्हाइल लूप को देखा। आइंदा किसी आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको बाकी लूप्स के ऊपर भी विद इन डिटेल, बल्कि कोड भी करके दिखाऊंगा। अभी जो है हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, जिसमें हमने बहुत मजेदार सा एक प्रोग्राम लिखा जिसके थ्रू हमने 2 का टेबल जो है वो प्रिंट करवाया। दोस्तों अपनी क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, कमेंट करके फीडबैक भी दिया करें, और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो
आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सके। दोस्तों मिलते हैं कंप्यूटिंग की अगली क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।